सेनेटर उस्मान काकड़ नहीं है जी, सेनेटर जावेद वलीद इकबाल साहब। जी जी ठीक है जी, भेजते हैं जी। जी वलीद इकबाल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। वलीद साहब जल्दी भी है, बिल्कुल, थैंक यू जी। पूरे इख्तिसार से एक मिनट से डेढ़ मिनट के अंदर जी, मुझे मेरे फाजिल दोस्त जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जी सेहत के हवाले से इस गवर्नमेंट के कोई तरजीहात भी हैं या नहीं हैं, उसकी जीती जागती दलील जो है वो आपके सामने है कि कोविड-19 में किस तरह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है इस गवर्नमेंट को, जिसका वॉल स्ट्रीट जर्नल भी एतराफ़ कर रहा है, जिसके एतराफ़ बिल गेट्स कर रहे हैं, और माशाल्लाह जो अपोजिशन के लीडरान बशमूल ख्वाजा आसिफ साहब के बशमूल में ही सेहत की बात हो रही थी ना, कोरोना की इन्होंने भी बात की, मैं पोलियो भी बात करता हूँ मौलाना साहब, आप तहमल करें, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिल सब्र। जी जनाब चेयरमैन साहब देखें जी, मेरी अर्ज ये है कि पोलियो की पाकिस्तान में अभी भी इस मूजी मर्ज का जो वजूद है और उसको मिटा ना सकने में हमारी नाकामी है, ये इस बात की भी दलील है कि इतनी दहाइयों से सेहत और तालीम ने हमारे यहाँ क्या अहमियत रखी है। इस और भी बहुत सी इसकी वजूहत हैं, लेकिन एक दलील उसकी ये भी है। और जनाब चेयरमैन साहब, कुछ हमारा कल्चर भी इस तरह का है, जिस तरह के वैक्सीन और ड्रॉप्स और इम्यूनाइजेशन के हवाले से जो हमारा रद्द अमल रहा है, ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जब से 19वीं सदी में इम्यूनाइजेशन ईजाद हुई थी, एडवर्ड जेनर ने जब ईजाद की थी, उस वक्त से इम्यूनाइजेशन के वैक्सीनेशन के ड्रॉप्स के खिलाफ एक मुजाहमत का कल्चर दुनिया भर में पाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल दुनिया की हेल्थ को 10 बड़े चैलेंजेस या 10 बड़े थ्रेट्स में, टॉप 10 थ्रेट्स जो हैं उनमें रेजिस्टेंस टू इम्यूनाइजेशन को गर्दाना है। सो यस, चैलेंजेस यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मौजूदा हुकूमत ने सुरखरू होकर दिखाया है, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है कोविड-19 जैसे मूजी मर्ज, हमसाया मुल्कों की कारकर्दगी देख लें, यूरोप के तरक्की याफ्ता अमरीका कैनेडा की कारकर्दगी देख लें और पाकिस्तान की कारकर्दगी देख लें, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो है, एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो है, ये लहरा लहरा के पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर दिफा इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट लहराते थे कि जी मिलियंस अगस्त तक जो है वो शिकार हो जाएंगे कोविड-19 के, 18,500 अमवात वो इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट के हवाले दे दे के कहते थे 10 अगस्त को होंगी। 10 अगस्त को बफजले खुदा एक भी मौत जो है वो हम नहीं गवारा कर सकते, 10 अमवात हुई, कहां 18,500 या 78,500 अमवात। जनाब चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल में मैं भी ये दरख्वास्त करूंगा, परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि कोई किसी किस्म के डेरोगेटरी अल्फाज किसी भी ऐसे डिफरेंटली एबल्ड शख्स के लिए या जिसको कोई जहनी किसी उसका शिकार हुआ हो पैदाइश से जो है, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं। मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि पोलियो के शिकार जो बच्चे हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूं, मेरे अजीज़ो अकारिब में भी हैं, पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता नावलिस्ट बैप्सी सिद्वा साहिबा जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली मरहूम वफात पा चुके हैं मिस्टर भंडारा की हमशीरा हैं, अवार्ड याफ्ता, वो पोलियो का शिकार थी। अलामा इकबाल एक आंख की बिनाई से महरूम थे बचपन से, लेकिन दुनिया भर में उन्होंने नाम कमाया पढ़ने लिखने के अंदर। कोई भी किसी को भी अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई इस किस्म की मुश्किल का सामना हो, किसी की अचीवमेंट के रास्ते में वो नहीं खड़ी होती, इसलिए इतनी ज़्यादा ना उछालें लोगों की उस प्लाइट को जिस तरह से आप इधर ड्रामाई अंदाज में कर रहे हैं। यहाँ बैठे होंगे तो ठीक है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और हमें पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जिस तरह से उनके जो कंडीशन है उसको उछाल रहे हैं, मैं समझता हूं अगर बैठे होंगे तो उनको तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए इस बात को भी जो है मलूज़े खातिर रखना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, एसोसिएटेड प्रेस और NORC में अमरीका में एक सर्वे की है, 1 out of every 5 अमेरिकन जो है वो कह रहा है कि जी मैं कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन नहीं लूँगा। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं इनका सामना होता है, जो यहाँ पे बार बार ललकार रहे हैं हमको कि जी कोविड-19 ने इम्यूनाइजेशन को रोक दिया है पोलियो वाली, हम नहीं कह रहे भाई 9 अगस्त का
डॉन संडे का खोल के देख ले, दो पूरे सफ़ों पे हनिया जावेद ने मजमून लिखा हुआ है, वो सारी तफसीलात वहाँ मौजूद है। वो मेरा अखबार नहीं है, मेरी पार्टी का अखबार नहीं है, मेरी हुकूमत का अखबार नहीं है, उसको पढ़ के देख लें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं उसी मजमून के हवाले से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पोलियो वर्कर्स को, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पूरे मुल्क भर में हिस्सा लिया है। थैंक यू। यही वो वर्कर्स हैं, हमारे पोलियो वर्कर्स और हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स। जनाब, रशिया ने वैक्सीन की रेस जीत ली है, चाइना वैक्सीन की रेस में आगे है। चंद महीनों में वैक्सीन जब COVID-19 की भी आएगी, पूरे मुल्क में किस तरह एडमिनिस्टर करेंगे, यही हमारे दीज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द नेशन जो पोलियो वर्कर्स हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इसको एडमिनिस्टर करेंगे। मैं एडवांस में उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और थैंक यू। थैंक यू पाकिस्तान। अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कोविड की बात नहीं हो रही थी जी। शुक्रिया जनाब साहब। पोलियो पे आपने कहा, मैंने पहले सबसे पूछा था। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम मुबारक। मिनिस्टर साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि मैं इसी पोलियो पे एक बात करके फिर आप जवाब दे दीजिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो हो गया जी, बस थैंक यू जी। इस तरह फिर सारे खड़े हो जाएंगे जी। चले जी, छोड़े। थैंक यू जी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी आउज़ु बिल्लाह। पोलियो पे आपने भी बात करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सिर्फ बड़ा मुख्तसर, मैंने कुछ और बात भी करनी है, वो मैं बाद में करूँगा जी। कि इस पे चूँकि बात हो रही है और कुछ बातें हजम नहीं हुई, इसलिए मैं खड़ा हो गया। मसलन बात यह है कि पोलियो के साथ तो जो कुछ किया है वो सारी दुनिया के सामने है। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब यह हुकूमत आई तो पोलियो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, एक या दो केसेस रह गए थे, और अभी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। और अब फरमाया ये जा रहा है कि जी हमने कोविड पे काबू पा लिया। कोविड वैसे बहुत सारे मुल्कों ने काबू पाया, लेकिन अगर आपकी हुकूमत ने कोविड पे काबू पाया है तो कल बिल गेट्स का टेलीफोन वज़ीर आज़म को आया था या किसी और को आया था मुबारकबाद देने के लिए? तशरीफ रखें प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्विच बंद, तशरीफ रखें प्लीज, नो क्रॉस टॉक। इनका स्विच बंद करें। उनका कोविड पे भी आया था, पोलियो पे भी आया था, लेकिन क्यों आया था? आपका क्यों नहीं आया? इसलिए कि आपने कुछ किया नहीं है, आप फैलाने के मुर्तकिब हुए हैं उसको। जो बात हकीकत है उसको माने। आप कहते हैं कोविड कोविड कोविड, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन कहा कल लॉकडाउन नहीं होगा, अगले दिन चारों सूबों ने लॉकडाउन किया, पंजाब और KPK समेत, और उन्हें किसी और ने कहा था। अब आप हमारी जबान ना खुलवाए ना, जो को हमको अंधे तो नहीं है, सारी दुनिया देख रही है कि ये हुकूमत है ही नहीं है। मतलब वजीर खारजा का काम कोई और कर रहा है, वजीर आजम का काम कोई और कर रहा है, और आप कह रहे हैं हमने किया है। आपने कहाँ से किया है? आपने तो तबाही की है इस मुल्क की। चाहे वो पोलियो, पोलियो क्यों बढ़ा है, इसका कोई जवाब देने वाला है यहाँ पे? क्या पोलियो ये खत्म नहीं किया था आयशा रजा के जमाने में? मैं इसको सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कि ये मेरी पार्टी की है, देखिए इसने जेन्युइनली मेहनत की है और इसने हर फोरम के दुनिया पे जाके दरवाजा खटखटाया और फिर यहाँ पे आके एग्जर्ट किया। ऐसे नहीं खत्म हो जाते कि लोग आके टीवी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और टिकर चलवाएं और समझें कि काम हो गया। ऐसे हुकूमतें चलती है? ये कौन सी हुकूमत है कि आप बात कुछ करते हैं, अमल कोई करता है, आपको कोई फोन करने को तैयार नहीं है, आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और आप क्रेडिट लेने के चक्कर में? तो भाई ज़रा सोचें, हो क्या रहा है, आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? कोविड शोविड की मैं बात नहीं कर रहा, पोलियो। और कौन सा ऐसी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जहां पे तबाही और बर्बादी नहीं आई इन दो सालों में? ऐसे तो ना करें ना, मतलब कि आप मतलब जो कुछ कर रहे हैं हम उस पर अगर सारे लोग खामोश बैठे हैं कि चलो सिलसिला चलता रहे, काम चलता रहे, तो आप उछल उछल के उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में, क्रेडिट अगर आपका बनेगा हम खुद देंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आप एक डिसक्रेडिट्स का मजमूआ हैं।
आप एक डिसक्रेडिट का पहाड़ हैं जो आपने खड़ा किया इन दो सालों में, कोई काम आपने नहीं किया, और अगर कुछ हुए हैं तो उसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। क्या मुझे बताएं ना, मैं सर अगर कहे तो एक और बातें ताकि दोबारा मुझे पोलियो पे बात करें ताकि वो वाइंड अप करें, मोशन चल रहा है जी। चले ठीक, थैंक यू जी। जी पोलियो पे बात करना चाह रहे हैं मौलाना साहब। जी जी जी, आपको मलिक साहब, मौलाना साहब के बाद आपको, फिर अली मोहम्मद खान साहब वाइंड अप करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, पोलियो पे बात हो रही है और हुकूमत को भी खुले दिल के साथ सुनना चाहिए, मगर उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि वो खामखा का एक मसला पैदा करना चाहते हैं। देखिए, पोलियो में अगर इजाफा हो रहा है इस मर्ज में, सेनेटर सस्सी सुन लें जी, मौलाना साहब बात कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?